संविधान का भी खालिस्तान की जो बात करेगा ना उसको खाली कर दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। तो हमें खालिस्तान क्यों चाहिए भाई? हमारा देश है, हमें चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं भाई फिर? क्या बोला, क्या बोला? ठीक है जी, नहीं तो आप 14 से पहले आपका बिल 2000 बिल आता था फोन का आपका, आप बातें कर रहे हो आप। ठीक है जी, अगर इस सरकार को अगर इस सरकार को कदर नहीं होती तो इतने बेसिक कामों पे सरकार काम नहीं लगाती कभी भी। सबूत है, कर्म ही प्रदान होता है। हर क्यों चेंज होगा? सभी जीव आत्मा, सभी धर्म मानव जाति ही भगवान है। सभी जीव आत्मा को मानते हुए स्वच्छ प्राणी को सभी सवा एक मिनट पहले तन से दुदा भी भगवान है। अरे सुनने की क्षमता रखो पहले, सुन लो ना, जो मर्जी बोलो। क्या बात कर दी आपने? बांग्लादेश में हिंदू गायब है, पाकिस्तान में हिंदू गायब है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, और अफगानिस्तान, सभी देशों से हिंदू गायब है। आप कह रहे हो कि सच के वो है पूरा बात कर रहे हो, सच के बस में पूरा तीनों लोग। आप कह रहे हो कि मतलब वो है भारत में 10% हिंदू गायब है, सब में है भगवान राम, भारत से भारत सब में है, किसी को बांटता नहीं है, किसी को मार कर नियम ईवीएम क्यों नहीं? एक आदमी की इच्छा हमारी नहीं है, हम नहीं डालते वोट, क्योंकि किसी में डालते हैं किसी में जाता है, ये हमको उसमें नहीं, हम बैलेट पेपर पर क्यों? सबका एक ही वोट का अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाएगा, उच्चतम न्यायालय से पूछा जाएगा। भाई सबका अधिकार एक ही वोट का है, दो वोट का नहीं है। चौरे होकर के रावण से चौरा हुआ कोई नहीं, यहाँ पर उसका तो चौराही चला नहीं, कंस का चौराही चला नहीं, कौरव पांडव का चौराही चला नहीं, भारत का नहीं चलेगा। देखो आज देश के खिलाफ कोई भी कुछ ही बोल देता है, कहीं पे ही बोल देता है, ठीक है, ठीक है। बाबा जी आप थोड़ा सा यार पेश थोड़ा, आप धर्म ये भी सिखाता है कि पेशेंस रखो, आप धर्म ये भी सिखाता है, बाबा जी साथ में खड़े हैं आपके, ठीक है, ठीक है जी। तो आप कह रहे हैं कि क्या चेंजेस होने चाहिए? जितनी आज़ादी हमारे संविधान ने बोलने की, आज भारत की अगेंस्ट आप सरकार के बारे में बोलो, आप सरकार के बारे में सवाल आलोचना करो कि हमें ये चाहिए, आपका अधिकार है, ठीक है जी। सरकार की ड्यूटी भी आपको देने की, गरीब शोषित वंचित कोई भी है सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए और 100% मिलना चाहिए। बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में इलाज, ठीक है, बच्चों को हर उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बच्चे का अधिकार हमारे देश में, ठीक है जी। रही एक बात तो ये हो गई आपकी जी, अब आप कह रहे हो संविधान में चेंजेस क्या है, सरकार के बारे में बोलो 100 बार बोल लो, पर जो देश के बारे में बोल रहा है संविधान के और 8 में आके, ये जरूरत से ज़्यादा संविधान में आज़ादी है, ठीक है जी। बोल ही रहे हैं आप, भारत में टुकड़े होंगे, आपने सुना ही होगा कई बार आपने टीवी के ऊपर, जेएनयू में बहुत सारे भाषण चले हैं वाले, ठीक है, जेएनयू उदाहरण है इस बात का, वहाँ पे खुला नारा चला भारत में टुकड़े होंगे। आप ये बोलो कि सरकार में टुकड़े होंगे। अरे तो वो बात हम लोग बाबा जी, आप बोलो कि सरकार के टुकड़े होंगे, मानते हैं भारत के टुकड़े होंगे, तो ये तो जोर से ज्यादा संविधान में आजादी है, और ये बात सिर्फ भारत में बोल सकते हो, आप भारत में बोल सकते हो बात है, ये बात आप पाकिस्तान चले जाओ वहाँ सरकार के बारे में बोल के दिखा दो, आपको उठा के ले जाएंगे घर से आपको। कब की बात है ये? कब की हम लोग यहाँ नए थे होंगे, कब की बात? अब दिल्ली रहते नहीं क्या? नहीं दिल्ली, टीवी नहीं देखते? जेएनयू के अंदर आप टीवी में देखो, खुद मैंने 100 बार देखा है यार, अब टीवी में यूट्यूब में डाल देखो आपको, जब जब धर्म की हानि हुआ है, असुर अभिमानी हो गया, असुर प्रावृत्तिक होता है, विचार होता है, किसी के विचार होता है, उसका विचार उसका वो हमारी न्याय तंत्र की लचीलापन, हमारे न्याय तंत्र का संविधान का लचीलापन है, जब से ज्यादा संविधान हमारे देश में, इसलिए सजा नहीं दिला पा रहे ये चीज़। और आपको जवाब दे दूंगी मैंने आपको,
किसको? संविधान का भी खालिस्तान की जो बात करेगा ना उसको खाली कर दिया जाएगा। खालिस्तान को जो बात है उसको खाली कर दिया जाएगा। अब देश टुकड़ा नहीं होगा जी। और अब सजा दी जा रही है, हाथ पा तोड़ देनी चाहिए उसके। कमाल कर रहे हो आप। तो हमें खालिस्तान क्यों चाहिए भाई? हमारा देश है, हमें चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं भाई फिर? हाँ, क्या गलत कर रहे हैं? छप्पन देश मुसलमानों के हैं हमारे देश में, ठीक है? 26 देश है धरती पे। एक मिनट सर, एक मिनट मैं आपका जवाब देता हूँ प्लीज। देखो हमारे पूरे वर्ल्ड में, अरे बाबा ही सुनो तो 56 देश मुसलमानों के हैं, ठीक है? 26 देश है क्रिश्चियन के हैं। अगर एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हिंदू का तो उसमें दिक्कत क्या है? धरती पे हो जाएगा तो उससे गरीबी हट जाएगा। ध्यान भटकाने के लिए चलो। अरे यार बाबा सुन तो ले, अरे सुन तो ले बाबा, सुन तो ले, ध्यान भटकाने के लिए हिंदुस्तान को हिंदू बना दिया। अरे सुन तो ले बाबा, क्या चाह रहे हो? सबको सब खुशहाल हो जाएंगे, सबका जन अधिकार मिल जाएगा, सबको अधिकार मिल जाएगा, सबको अज्ञानता हट जाएगा। अनपढ़ों को चिल्लाने से काम नहीं करता। आप साक्ष्य बात करो, सुनो अब क्या कहना चाह रहे हो? आप कहना चाह रहे हो कि मुसलमान क्या करेंगे? आप कहना चाह रहे हो क्या अनपढ़ों को चिल्लाए जा रहे हो यार? आप कह रहे हो कि मुसलमानों का क्या हुआ, ठीक है? देखो अभी आपने क्वेश्चन पूछा, देखो सभी मिलके इतना बड़ा आंदोलन चला पाते हैं, एक अकेला धर्म ये नहीं कर पाता, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप हिंदू को भी मजहब समझ रहे हो तो हिंदू एक मजहब नहीं है। हिंदू है जीवन जीने की कला, हिंदुत्व एक जीवन जीने की कला है। वो कला हर जात का हर मजहब का आदमी सीख सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो सब यहाँ से इस देश से बाहर हो जाएंगे, ठीक है? तो समानता, देखो समानता तो सभी की है। अब एक बात बताओ, मैं अगर हिंदुत्व को बिलोंग, अगर मैं हिंदुत्व फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने बताओ किसको, किसी दूसरी जात वाले डंडा मार दिया मैंने, ठीक है ना? एक मिनट, अगर कोई भी मानवता को मानने वाला हिंदू मुस्लिम, यार एक मिनट शांत हो जाए यार, चलाया जा रहा है यार, कमाल कर रहा है यार, दिमाग कान में खड़ा हो, चलाया जा रहा है यार, बकवास कर रहा है। बात करने जा रहे हो क्या? मतलब हाँ हाँ हाँ